जो एग्जिट पोल हैं उनमें कोई दम नहीं है। क्या बंगाल में भी इन्होंने ये एग्जिट पोल दिखाए थे आज तक के द्वारा, और क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी? नहीं, बीजेपी नहीं आ सकती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। जी दादा, ये क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे? ये कहेंगे जनता पार्टी ने अच्छे काम करे, बड़े बूढ़े ने कोई पैसा दिया, बवेटिया ने कोई पैसा दिया, और किसी को पैसा नहीं दिया। जो कांग्रेस छवेद जिताई थी भिंड में रहना, कुछ नहीं ले पैसा लेने। कहने से बताऊं कांग्रेस की, कांग्रेस को तो एक वोट एक सीट नहीं आ रही। मोदी मीडिया के जो चैनल हैं वो झूठा पुलिंदा दिखा रहे हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। एग्जिट पोल कोई सही आंकड़ा नहीं दे रहे, जनता सही आंकड़ा दे रही है। बिके हुए हैं चैनल एक्चुअली में। 3 तारीख को शाम को मालूम पड़ जाएगा एग्जिट पोल सही है या जनता सही है। गारंटी दे रहा हूँ, भाजपा की जो सीटें हैं 3 अंकों में नहीं जा पाएंगी। कल है 3 दिसंबर, मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम आने वाला है। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसका राज होगा, तीनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर के तमाम तरह के एग्जिट पोल टीवी पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में, और बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि ढेर सारे वकील, जी हाँ, जिनकी राय बेबाक होती है और जिनका जो गणित है लोगों को कई तरह की मुसीबतों से बाहर भी निकाल लेता है। ऐसे में इनका गणित क्या कहता है, कौन मुश्किल में फंसेगा और कौन मुश्किल से बाहर आ जाएगा, 3 तारीख को इसी को लेकर के हम चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम साहब सिंह गुर्जर। साहब सिंह जी, ये बताएं, कल चुनाव परिणाम आ रहा है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स पर तमाम तरह के एग्जिट पोल हैं, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कौन जीतेगा, कोई किसी को आगे बता रहा है, कोई किसी को पीछे बता रहा है, ऐसे में आपका गणित क्या कहता है? आप मतलब मुरैना की बात करना चाह रहे हैं? मुरैना और मध्य प्रदेश। आपको मुरैना के बारे में बताऊं तो BSP का मतलब रुझान ज़्यादा आएगी मुरैना सीट पर, या रुस्तम जो राकेश रुस्तम सिंह जी का, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में विकास किया है, फ्लाईओवर है, हॉस्पिटल है, नाला नंबर 1 है 2 है, ऐसे मतलब बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने विकास के किए इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी आम पब्लिक के द्वारा। और रही बात यह है कि मतलब जनता का जनार्दन है जो भी जिसको दे दे। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसे एक एग्जिट पोल ने बताया है कि बीजेपी की 150 से ऊपर सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर आ रही है। नहीं, बीजेपी नहीं आ सकती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। ऐसे जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उन पर क्या कहना है आप? एग्जिट पोल महोदय की बोल रहे हैं, एग्जिट पोल कोई सही आंकड़ा नहीं दे रहे, जनता सही आंकड़ा दे रही है। जनता का आंकड़ा क्या लगता है आपको? जनता का आंकड़ा कांग्रेस सरकार पहले भी बनाई थी और अब भी बन रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में। जी भैया, क्या बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इस प्रकार से स्पष्ट है कि बंगाल में भी इन्होंने ये एग्जिट पोल दिखाए थे आज तक के द्वारा, और क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी, और ऐसे ही कर्नाटक में इनकी सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार होने के बावजूद भी वहाँ कांग्रेस का बहुमत किया और जनता ने सरकार कांग्रेस की बनाई। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी लोग बेरोजगारी के उस पर है, इन्होंने पटवारी घोटाला किया, व्यापम घोटाला किया, 101 घोटाले किए, कमलनाथ जी के वचन पत्र में 101 घोटालों का पूर्ण रूप से उल्लेख है, यदि आपने पढ़ा होगा मीडिया के द्वारा आपने देखा होगा, तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जो एग्जिट पोल जो टीवी पर आ रहे हैं एग्जिट पोल स्पष्ट नहीं है, कुछ बीजेपी के बता रहे हैं जो उनके चैनल हैं और कुछ कांग्रेस के बता रहे हैं, तो स्पष्ट जानबूझ करके दिखा रहे हैं क्या? बिके हुए हैं चैनल एक्चुअली में आज तक, तो टोटल बायस्ड है। तो क्या लगता है आप, 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा? सब आज ही क्लियर है, मध्य प्रदेश की जनता में आज से महीने भर पहले ही क्लियर था। सर, हम एग्जिट पोल को लेकर के बात कर रहे हैं क्योंकि कल से हम देख रहे हैं टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर उसी की चर्चा है, तो ऐसे में जो वरिष्ठ लोग भी हैं वो भी बड़े कन्फ्यूज हैं कि कोई किसी को आगे दिखा रहा है, कोई किसी को आगे दिखा रहा है, तो ऐसे में हमने सोचा कि वकीलों से ही बात की जाए उनका, क्योंकि जो जनता का है और ऊपर से वकील, तो उनका गणित क्या कहता है, क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? एक तरफ बीजेपी को बहुमत दिखाया जा रहा है, 150 से ऊपर सीटें हैं, तो कहीं कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है, दो तरह की चीज़ें सामने। देखिए, मध्य प्रदेश में अब की बार स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और 150 से लेकर 160 सीटें आएंगी। जो एग्जिट पोल हैं उनमें कोई दम नहीं है, जैसे कि करीबन 9 साल से जो गोदी मीडिया कैप्चर किए हुए है हर स्थिति को, ऐसे ही गोदी मीडिया के जो चैनल हैं वो झूठा पुलिंदा दिखा रहे हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, केवल जनता को भ्रमित करने के लिए, कांग्रेस को लोगों को हतोत्साहित करने के लिए ये चैनल दिखाए जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है। सोशल मीडिया पर एक और भी चर्चा चल रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि मोदी जी बाहर चले गए चुनाव परिणाम आते से ही, और JP नड्डा जी कल ग्वालियर भी आए थे, तो क्या लगता है कि इसीलिए JP नड्डा जी को फ्रंट पर ला रहे हैं? हाँ, देखिए,
जैसे कर्नाटक में हुआ था कि पहले मोदी 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 और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आ गई तो पीछे हट गए, इसी तरह वो ये करते हैं। अगर जीत जाएंगे तो मोदी और हार जाएंगे तो नड्डा, शिवराज सिंह और ये फलाने हो जाएंगे, इसलिए मोदी यहाँ से भाग गए हैं। तो जैसा कि जो कैंपेन चलाया गया था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, तो क्या होने वाला है फिर? नहीं, ये जनता के मन में नहीं है, ये बीजेपी के जो नेता हैं वो केवल इस तरह की बातें करते हैं। जनता के मन में तो कहीं कोई मोदी है ही नहीं, जनता के मन में तो केवल विकास है, रोजगार चाहिए, उनको काम चाहिए। ये हवा हवाइयों से सरकार नहीं चलती है और ना देश चलता है। लेकिन सरकार कहती है कि रोजगार मेले के द्वारा हम रोजगार दे रहे हैं, प्रधानमंत्री हर महीने जो है 50,000 और 70,000 करीब रोजगार। कहीं कोई रोजगार नहीं है, कहते थे कि 15 लाख रुपए देंगे, इतने करोड़ नौकरी देंगे, बल्कि नौकरी खा गए। और जहां तक देश की जो संपत्ति है उसको भी बेचना शुरू कर दिया। दो लोगों को केवल फायदा देते हैं ये मोदी सरकार, अब क्या नाम उनका, अडानी और अंबानी। जबकि आप ये बताइए, हर महीने या दो महीने बाद आप देखते हैं चैनल पे और अखबार में कि उनके इतने पैसे माफ़ कर दिए। ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा हमारा है, ये पैसा जनता का है। आप कोई लोन ले लीजिए, बैंक वाले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इनके पैसे कैसे माफ़ होते हैं? ये सरकार कराती है और सरकार जनता से पैसा वसूल करती है। मामा जी कह रहे हैं कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहन सारे कांटों को दूर कर दिया है। नहीं नहीं, लाडली बहनों ने कोई इनको फ़ायदा नहीं दिया है। लाडली बहनों ने थोड़ा बहुत दिया होगा, इससे ज़्यादा जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो उनकी पेंशन बंद की हैं, जो स्कीम है, उनने इतना ज़्यादा नुकसान किया है कि कांग्रेस सरकार 150 से भी ऊपर भी आ सकती है। 150 से ऊपर? जी, मतलब 150 से ऊपर आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि 2-3 अंकों में नहीं पहुँच सकती, मैं गारंटी दे रहा हूँ। भाजपा की जो सीटें हैं 3 अंकों में नहीं जा पाएंगी, 2 अंकों में समेट कर रह जाएंगे। 2 अंकों में समेट कर रह जाएंगे बिल्कुल। क्या लगता है अगर ऐसा हुआ तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा? आने वाले लोकसभा चुनाव में केवल मध्यप्रदेश ही नहीं, यहाँ पर 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आने वाले 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो सूपड़ा साफ होने वाला है। कारण क्या था कि जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था तो लोगों के मन में ये था कि शायद वो कुछ परिवर्तन करेंगे और देश के लिए रोज़गार पैदा करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन नहीं किया। 5 साल निकल गए तो लोगों ने सोचा हो सकता है उनको समय कम मिल पाया हो। फिर दोबारा 5 साल हो गए, अब तो केवल हवाई हवाई बातें करते हैं, भाषणों में झूठ बोलते हैं, केवल घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है इनमें। इसीलिए अब की बार लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। आपकी नज़रों में क्या है मध्य प्रदेश में कल? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150+ स्पष्ट? ये जो कह रहे हैं सरकार कांग्रेस की आती है, मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा किसकी आ रही है, तो इसका एमपी के किसी नेता को कमाल नहीं जाएगा, इसका कमाल जाएगा राहुल गांधी को, जो पद यात्रा जो उन्होंने की है। ये वास्तविकता मैं कहना चाहता हूँ कि वो बंदे की जो मेहनत है वो दिखा रही है रंग। लोकल जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही डबल स्टैंडर्ड होते हैं सर। मध्य प्रदेश के अंदर, मुरैना के अंदर भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दोनों तरफ की पोस्ट फेसबुक पर डालते हैं, यहाँ भी वो लोग खड़े हुए हैं। तो वास्तविकता में ये राहुल गांधी है जो कमाल कर गया है। मैं बिल्कुल, और दूसरी बात कि पर सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, या देखो एजेंसी अगर दिखा रही है, एजेंसी परसेंटाइल करती है कि 3.25 लाख वोटर है तो उसमें से 45,000 को चुनेगी या 20 को चुनेगी, तो उसमें से कितने बीजेपी के थे कितने कांग्रेस के थे। तो अभी जो एग्जिट पोल है मैं उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगा कि ये एग्जिट पोल, मुझे जो एग्जिट पोल सटीक लग रहा है वो सी वोटर का लग रहा है, मैं सी वोटर्स की एग्जिट पोल को। दूसरी बात, ध्रुव राठी जी ने कहा है, आप उनका पॉडकास्ट सुनिए, और उनका जो पॉडकास्ट हुआ भी, सॉरी पॉडकास्ट नहीं, जो उनका जो खुद का यूट्यूबर्स ब्लॉगर है, उसने ये कहा है कि मध्य प्रदेश नींव रखेगा लोकसभा के चुनाव की और राहुल गांधी के बारे में ये तय करेगा कि उनकी राजनीति आगे चलेगी या नहीं। जी सर बताएं, हम जो चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो कल चुनाव परिणाम आने वाला है उसको लेकर के है, तो ऐसे में हम वकीलों की राय ले रहे थे, तो ऐसे में क्या आपका गणित कहता है मुरैना के संदर्भ में और मध्य प्रदेश के संदर्भ में? मुरैना के संबंध में तो जो है कांग्रेस जीत रही है 18-20 हज़ार से, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, 140 से अधिक सीटें आएंगी मध्य प्रदेश में। जो 18 साल से जनता परेशान थी उसका बदला जनता ने लिया है।
मतलब आप मानते हैं कि जनता परेशान है, वो बदला इस चुनाव परिणाम में? जी जी बिल्कुल, 18 साल से जो बेरोजगार परेशान है, प्रशासन से सब लोग परेशान है, इसका बदला लेगी। तो जैसे अभी हमने कुछ और लोगों से भी बात की, उनका कहना है कि बीजेपी रिपीट हो रही है, रिपीट का कारण है विकास? कतई रिपीट नहीं हो रही, कोई विकास नहीं किया, मतलब ना देख लो आप क्या स्थिति हो रही है। 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी, 18 गुंजाइश की बात? नहीं कतई नहीं, मामा की 10-22 हज़ार घोषणाओं से जनता परेशान हो चुकी है। 6 तारीख को कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत से। विश्वास कैसे आप? विश्वास हमने देखा है, जनता परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, इसलिए सबने जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। टीवी पर जो एग्जिट पोल है वो कांटे की टक्कर बता दी। एग्जिट पोल तो सभी जनता, 3 तारीख को शाम को मालूम पड़ जाएगा एग्जिट पोल सही है या जनता सही है। क्या कहेंगे सर मध्य प्रदेश के संदर्भ में, किसकी सरकार? एग्जिट पोल बता रहे हैं कांटे की टक्कर, बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, बनेगी पूर्ण बहुमत से। वजह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और युवाओं ने बदलाव किया है। यानी कि लगता है कि युवा परेशान रहा है, बहुत परेशान है, सभी परेशान है। 4 साल की नौकरी कर दी, व्यापम घोटाला देख लो, पटवारी घोटाला देख लो, पुलिस घोटाला देख लो, सब में देखो, सब में सब हुआ है, कई मुकदमे कायम हुए हैं, जनता परेशान है। शिवराज जी ने तुरंत जांच के आदेश दिए उसको लेकर के, वर्मा कमेटी? कोई जांच नहीं हो रही, सब ऐसी लीपापोती का काम हो रहा है, वो तो फैले जलाने का काम कर रही, उन्हें मालूम है सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। 130 से पार सीट आएंगी, 130 से बाहर आगे। जी दादा जी क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे? ये कहेंगे जनता पार्टी ने अच्छे काम करे, बड़े बूढ़े ने कुछ पैसा दिया, बवेटिया ने कुछ पैसा दिया, और किसी को पैसा नहीं दिया। जो कांग्रेस 6 बार जिताई गई भिंड में रहना, कुछ नहीं ले पैसा लेने, कुछ नहीं ले पा। कल बीजेपी सरकार आ रही है, बीजेपी सरकार आएगी और काम बनेंगे। आप रोजगार देते ना, बेरोजगारी क्यों दे रहे हैं? ये मतलब क्यों ऐसा प्रलोभन दे रहे हैं महिलाओं को, क्यों ऐसा मतलब प्रलोभन दे रहे हैं जिससे मतलब रोजगार दोष की जाए? ये क्या है, कौन सी गवर्नमेंट काय के लिए दे रहे हैं? कौन सी गवर्नमेंट ने नहीं दिए? कौन सी दे रही है? क्यों आप भी तो कह रहे हो, आप भी तो कह रहे हो 1500 देंगे, क्यों कोई नहीं दे रहा ना? अरे ये तो कह के पलटने वाली बात है, यानी जनता को धोखा दे रहे हैं। 1 मिनट की बात कर रहे हैं और पलट रहे हैं, अभी देख लो, अभी तो गवर्नमेंट आई भी नहीं, अभी से पलट रहे हैं, आगे क्या होगा? बात ही नहीं है, देने की तो कोई बात नहीं। भैया संकट में तो 1000, जब बहना संकट में कोरोना काल के दौरान थी तब कुछ नहीं। तो क्या लगता है इसका अंतर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल अंतर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ता है, ऐसा थोड़ी होगा, कुछ नहीं होने वाला, अंतर तो आएगा। समय चुकी है, तो ये कहूंगा कल जो रेट आएंगे उसके आधार पर मालूम पड़ जाएगा सरकार किसकी बननी है। नहीं मैं सरकार के बारे में, आप क्या सोच करके चल रहे हैं, किसकी बात? नहीं कुछ नहीं, ये जनता का कोई भरोसा नहीं है, जनता का कोई भरोसा नहीं है, ये बिल्कुल से बोल रहा हूँ। ये तो कल के रिजल्ट आएंगे, चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे, चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। सी वोटर का सर्वे हमारे हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सी वोटर, वो तो कल रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट से मालूम पड़ेगा किसकी सरकार बन रही है। सर क्या कह रहे हैं, क्या कहना पूछना चाह रहे थे? हम यही पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर के, कल जो परिणाम आ रहा है उसको लेकर। मध्य प्रदेश में सभी जगह ग्राउंडेड पर जाइए, कांग्रेस की सरकार बनना है, कांग्रेस की सरकार बनना है मध्य प्रदेश में, और नहीं नहीं मिली जुली सरकार नहीं। आप कैसे कह सकते हैं मिली सरकार बनेगी? क्या कल मतपेटी खुलेंगी, कल मतपेटी खुलेंगी, और बीजेपी तो ये लोग कह रहे हैं बीजेपी कई सरकार नहीं बननी, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार पूर्णतः बननी है और पूर्ण बहुमत से बननी है। लेकिन 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 मोदी जी ने इतना प्रयास किया, सब जगह है मोदी जी का जादू, लोगों का कहना है मोदी जी का जादू चलेगा? नहीं नहीं मोदी जी का कोई जादू नहीं चलेगा, और मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, ये कोई जादू नहीं। मोदी जी से ज्यादा जलवा तो हमारे कन्हैया कुमार का हो गया, मोदी जी यहाँ पर आए तो कोई बुला बुला के ले। मोदी जी का कोई जादू नहीं है, और ये जो परिवर्तन होगा, ये 4 राज्यों में जो परिवर्तन होगा, ये राहुल गांधी की पदयात्रा का परिवर्तन होगा। किसकी सरकार लगेगी यार एमपी में? मतलब तेरे कहने से बताऊं कांग्रेस की, कांग्रेस को तो एक वोट एक सीट नहीं आ रही, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आ रही। अरे 140 सीट बीजेपी की आ रही पूरे एमपी में, 130 से 135 सीटें आएंगी कांग्रेस की, वो स्पष्ट बहुमत रहेगा। बीजेपी आ रही है जी भैया, क्या बोल रहे हैं? चोरों की सरकार है बीजेपी, तो चोरों की सरकार है बीजेपी, चोरों की सरकार है, ऐसा है नाराज है उससे सब कुछ, चोरों की सरकार और क्या, क्या बात है? ना मिल रहे हमें, अरे कुत्ता रोटी डाल रहा है, 1250 फालतू की बात है। जी सर आप बताएं, बीजेपी
बीजेपी वजह वजह चोरों की वो तो वजह तो है, वो तो सब बीजेपी काम ही कर रही है, इनको तो बस कहना चाहिए। चोरों को चोरी दिखते हैं, चोरों को साहूकार दिखते ही नहीं है। तो कोई काम ही नहीं है ना कांग्रेस में, कोई काम ही नहीं है, वो तो अंदर से बस बीजेपी की बुराई करना चाहते हैं। तो ये हमने मध्य प्रदेश के मुरैना में वकीलों से बात की है कि राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कल परिणाम आपके सामने आ जाएगा। और आपका गणित जो भी कहता हो कमेंट में बताइएगा, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक को फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।